कार बिल्कुल होना चाहिए। हमने कहा ये हम अलाउ करेंगे, इसको आप मैनेजमेंट कोटा से हटा दो, इसको नया क्राइटेरिया बना देते हैं। हमने अपनी गाइडलाइन में लिखा है कि स्टाफ के बच्चों को, मैनेजमेंट के बच्चों को, टीचर्स के बच्चों को उस स्कूल में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा उसके अलावा और क्या, बोला जी SHO आता है उसके बच्चे को एडमिशन लेना पड़ता है, एजुकेशन मिनिस्टर वो सिफारिश करता है, चीफ मिनिस्टर सिफारिश करता है। मैंने कहा देखो भाई हम तो सिफारिश करेंगे नहीं और दिल्ली सरकार से कोई सिफारिश नहीं करेगा। कहते कि जजों के बच्चे आते हैं उनको भी देना पड़ता है। तो मैंने कहा इसका मतलब दूसरा करप मैनेजमेंट में, दूसरा नंबर सिफारिशी लोगों का, तो ये तो फेयर नहीं है, ये तो रीजनेबल नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। और तीसरा बोला जी तीसरा फिर थोड़ा सा डोनेशन इकट्ठा करना पड़ता है स्कूल के लिए, तो वो भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आता है, तो दूसरी और तीसरी बात नहीं चलेगी। तो इसलिए मैनेजमेंट कोटा खत्म किया है, कोई सिफारिशी नहीं चलेगा। इससे हमको क्या फायदा हुआ, मेरे को और मनीष को क्या फायदा हुआ, हमने तो अपने हाथ काट लिए, नहीं तो हम भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। जितने हमारे वॉलंटियर है वो सिफारिश ले लेके आते, हम भी सीटें बांटते, हाँ भाई स्कूल में इतने बच्चों का करा दिया, स्कूल में इतने बच्चों का, हमने तो अपने हाथ काट के जनता के सामने रख दिया। हमें नहीं सिफारिश करनी। आज मेरे कई रिश्तेदार आते हैं कई बार मेरे पास, हाँ मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो जी, मैं कहता हूँ जी मेरी तो चलती नहीं। कहते कैसा मुख्यमंत्री है ये, एक बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकता ये। तो हमने अपने हाथ काट के आपके सामने रख दिए, हमें क्या मिला, हम सारी की सारी व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। हमारे मन में पाप नहीं है, हमारे मन में काला नहीं है। अगर हमें पैसे कमाने होते हम भी कह देते भाई इतनी इतनी सीटें बेच के जरा से पैसे भिजवा देना, तो हमें ये सब नहीं करना। इसलिए ये सब खत्म किया है और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। जब से हमने ये किया है केवल दिल्ली दिल्ली नहीं पूरे देश भर से हमारे पास फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं और लोग इतना स्वागत कर रहे हैं कि पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत की है कि इस मैनेजमेंट कोटा को एबॉलिश किया। ये जो कहा जा रहा है बड़ा कंफ्यूजन कर दिया, कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल सही, सारी चीजें सही टाइम पे चल रही हैं। 22 तारीख तक आपको फॉर्म भरने हैं, 22 तारीख के बाद हर बच्चे को क्राइटेरिया दिया जाएगा, वो क्राइटेरिया वेबसाइट पे डाला जाएगा, सारे स्कूलों को बात माननी पड़ेगी सर। NDMC के कन्वेंशन सेंटर से अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट स्कूलों में खत्म किया गया है, नर्सरी में एडमिशन की प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू हुई है और उस